नमस्ते। आज मैं सुहाना सफर में फिर से एक नया विषय लेकर आया हूँ। विषय थोड़ा कंट्रोवर्सी है विषय में, लेकिन बोलना जरूरी है। एक बहुत पहले सीआईडी का एक गाना है, 1956 में बना था, ओपी नैयर की धुन थी और मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था। गीत बहुत हिट थे और उस गीत पर पिछले 2016 में कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। ऐ दिल है मुश्किल, फिल्म ऐ दिल है मुश्किल में जो कि करण जौहर ने बनाया था, उसमें अनुष्का ने एक डायलॉग कहा, एक डायलॉग मारा। अनुष्का इस फिल्म के एक डायलॉग में रणबीर कपूर से कहती हैं, मोहम्मद रफ़ी गाते नहीं रोते थे। इसी वजह से रफ़ी का परिवार बहुत गुस्से में भी थे उन दिनों। उनके बेटे शाहिद रफ़ी ने कई जगह इस पर आपत्ति भी की और अपनी बात कही। मैं स्वयं करण जौहर साहब से पूछना चाहता हूं कि इस गाने को सुने और अपने आप से स्वयं सवाल करें कि क्या मोहम्मद रफ़ी सचमुच रोते थे या फिर उनकी टीम ने डायलॉग लिखते वक्त सेंसेशन क्रिएट करने के लिए ऐसा डायलॉग लिखा था या पब्लिसिटी पाने के लिए यह कर्म किया गया था। हर कर्म का फल मिलता है गीता में कहा गया है, इस पर भी आपको फल मिला होगा। इतने ट्रोल्स हुए हैं आप लोगों ने, इतना आपको कहा ट्विटर के माध्यम से और कई माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद आपने कभी शायद एक बार भी नहीं कहा कि नहीं गलती हुई है। इसका मतलब आपने डेरोगेटिव के लिए उस काम को किया। पहले आप इस गीत को सुनिए, हम दर्शकों को एक निवेदन करना चाहते हैं कि इस गीत को सुनिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम आपसे बात करते हैं। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, क्या है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिल, मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिल, मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम निशान, जरा बच के यह बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान। कहीं सत्ता कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। कहीं तुत्ता कहीं पत्ता, कहीं धोकर कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। बेकरारों के हैं कई काम यहाँ, जरा बच के यह बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान। बुरा दुनिया जो ही कहता ऐसा भूला तो न बन, जो ही करता वही भरता है यहाँ का ये चलन। बुरा दुनिया जो है कहता ऐसा भूला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। दादागीर नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे ये है बॉम्बे ये है बॉम्बे मेरी जान। आपने गीत तो सुन लिया होगा, आपको गीत कैसा लगा ये तो बाद में पूरा गीत जब आप सुनेंगे क्लिप के साथ तो आपको पता चलेगा क्या गीत है, क्या रेंडरिंग है, क्या जॉनी वेकर ने क्या किया है और कमाल का हमारे रफ़ी साहब ने गाया है। मैं थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ इसलिए मैंने गुनगुना दिया और
गायक तो हूँ नहीं कि मैं पूरा गाना गा दूँ, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से जौहर साहब ने इस गीत के बारे में वहाँ पर अनुष्का से कहलवाया वो गलत था, ये मेरा मानना है गलत था। गीत को लेकर कंट्रोवर्सी तब हुई थी, उसे भी आप जानते होंगे, चैनलों में टीआरपी के लिए लोग किसी भी की भी मौत के बारे में ड्रामा कर देते हैं और इस तरह से मौत को गले लगा लेते हैं, चैनल में दिखाया जाता है जैसे कि बहुत कुछ हो गया है। इनकी भी मौत के बाद इस तरह से डायलॉग लिखना बहुत ही कष्टदायक है, वेदनादायक है, मुझे बहुत कष्ट हुआ। अब उस डायलॉग को सुनने के बाद रफ़ी साहब के बेटे ने क्या कहा यह मैं आपको बताता हूँ। यह गीत उन्होंने यानी रफ़ी साहब के बेटे ने सुनकर पहले तो उन्होंने अपनी वेदना जताई, उन्होंने उनको लगा कि जिस तरह से उनका अपमान किया गया है वो सही नहीं है। गीत को पूरा सुने आप, CID का गाना है, 1958 के बनी फिल्म पर, ये गीत को सुनने के बाद आप खुद, आप दर्शक खुद जज बने और दुनिया को बताएं कि पब्लिसिटी के लिए फिल्म वाले क्या क्या करते रहते हैं, क्या क्या नहीं करते रहते और क्या क्या करते रहते हैं। रफ़ी साहब जिनकी दुनिया में, विश्व में पूजा की जाती है, जिनके गाने सुनकर सुबह से शाम तक चाहे भजन हो चाहे कुछ भी हो लोग सुनकर उठते हैं, मंदिरों में भजन बजता है, उनके गाने पर इस तरह की टिप्पणी करना, अब मंदिरों में जिनका गाना बजता है, दुख के सब साथी सुख में न कोई, अब बताइए इस तरह के गीत हैं उनके, और भी बहुत से गीत हैं उनके, अनगिनत गीत हैं, उन पर मैं किताब लिख रहा हूँ, किताब पूरी होते होते मुझे पता नहीं समय कितना लगेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किताब आ जाए। हम आपको अब बताते हैं रफ़ी साहब के बेटे ने क्या कहा था। इस डायलॉग को सुनने के बाद रफ़ी साहब ने के बेटे ने कहा, मुझे शक हो रहा है कि करण जौहर को थोड़ी भी समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, थोड़ी भी समझ नहीं है, ये मेरे पिता की बेइज्जती है, मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने करण जौहर से ये उम्मीद नहीं की थी। जब करण जौहर के पिता यश जौहर जी ने 1980 में दोस्ताना फिल्म बनाई थी, मेरे पिताजी ने उनकी फिल्म में गाने गाए थे, उन्होंने इस गाने पर एक टिप्पणी की कि गाना जो है वो ये है कि मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है तू बेवफा हो गया, तो ये उन्होंने उस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह गीत करण जौहर पर फिट बैठता है कि आप बेवफा हो गए। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि इस डायलॉग को फिल्म में क्यों शामिल किया गया, शायद शोहरत ज़्यादा सिर चढ़ गई है, जब शोहरत सड़ जाती है, सिर के ऊपर चढ़ जाती है, लोग मुंह पर तारीफ करते हैं और पीठ पीछे थू थू करते हैं। यही करण जौहर के साथ भी हुआ था। गीत को आपने सुन लिया, अब बताएंगे कुछ और यादगार घटनाएं, अनोखी बातें जो इस गीत से संबंधित हैं। हम आपको बता दें कि इस डायलॉग के विरोध में 2 नवंबर 2016 में मुंबई में रफ़ी के चाहने वालों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन भी किया था और सोशल मीडिया में लगातार विरोध हो रहा था। जानी वाकर की एक्टिंग की दाद देनी पड़ेगी, उनकी एक्टिंग देखिए, उनकी रेंडरिंग देखिए, स्वर से स्वर मिलाने को देखिए और देखिए कि किस तरह से इस गीत को फिल्माया गया है, किस रेंज में फिल्माया गया है। मुझे लगता है कि मेरा मन कहता है कि चुमलू तस्वीर जानी वाकर की, एक गाना भी है इस तरह का। क्या आपको गाना सुनने के बाद लगता है कि रफ़ी साहब रोते थे? रफ़ी जी की आवाज़ कितनी प्यारी है, गीत में बॉम्बे का वर्णन है, भारत के एकमात्र सपनों का शहर, सुनहरी रगड़ी, सुनहरे लोग, सुनहरी यादें, उन दिनों का सच, और दरअसल ये उतना ही सच है जितना कभी वहाँ रहने वाले किसी व्यक्ति ने अनुभव किया होगा। मजरू साहब ने अनुभव किया होगा तभी तो वह इस तरह के गीत लिख पाए। गीत के मुखड़े देखिए, हालांकि अब ट्राम नहीं चलते मुंबई में, मिले बंद हो गई हैं, यहाँ तक कि मुंबई का प्रिय पुराना नाम भी चला गया है, लेकिन अन्य चीजें मुंबई के दृश्य में रच बस गई हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से गीत की आत्मा है अंतिम अंतर में गीता दत्त द्वारा गाया गया वो लाइन, बुरा दुनिया को है कहता ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वह बढ़ता है यहाँ का ये चलन, बुरा दुनिया को है कहता ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन, दादागिरी नहीं चलने की यहाँ।
यह है बॉम्बे, यह है बॉम्बे, यह है बॉम्बे मेरी जान। गीता जी ने भी यही गाना गाया था और कहा था। इस गाने के जो अर्थ हैं उसका मतलब यही होता है कि हर काम का फल मिलता है, हर कर्म का फल मिलता है। इस जीवन में मनुष्य ना कुछ खोता है ना कुछ व्यर्थ होता है। कर्म का नियम और सिद्धांत, हम दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं हमें उसी गड्ढे में गिरना पड़ता है। मजू साहब का जवाब नहीं, गीता के लाइनों को साकार कर दिया। इस उच्च भाव को इस कथित हल्के गीत में प्रस्तुत करना आसान काम नहीं है। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ ये आसान काम नहीं है, लेकिन मजरू साहब ने इस काम को आसान बना दिया। आसान शब्दों के साथ हंसते गाते हुए गीत को पेश किया, लेकिन जीवन की सच्चाई है पूरी दुनिया बदल सकती है लेकिन यह सोच या कानून नहीं बदलेगा। मजरू साहब के शब्द भी हमेशा गूंजते रहेंगे, मैं उनकी स्मृति को सलाम करता हूँ। हाँ, एक बात और, गाने का मीटर फिट करने के लिए दादागिरी को दादागिर गा दिया। दादागिर मतलब देखिए क्या टेक्निक है, वाह जवाब नहीं। दादागिर शब्द की रेंडरिंग और थ्रो देखिए, और उस शब्द से हल्का सा इश्क करके किस तरह से गीता दत्त ने छोड़ा और मुड़की लेकर आगे बढ़ गई, ये समझने वाली बात है। एक और बात, इस गीत का कुछ हिस्सा मध्य मुंबई के उपनगर माटुंगा किंग सर्कल अब माहेश्वरी उद्योग में फिल्माया गया था। मुझे याद है क्योंकि मैं वहाँ गया हुआ हूँ। इस गीत का पिक्चराइजेशन करते वक्त कहते हैं कि 4 घंटे तक उस इलाके में पुलिस की कड़ी व्यवस्था कर दी गई थी। ताल मतलब संगीत से सजाने वाले मालिक और संगीत के साधक ओपी नैयर ने हमें कई बार कई फिल्मों में यह एहसास करा दिया कि वह एक अच्छे संगीतकार हैं। वो हारमोनियम और माउथ ऑर्गन का उपयोग बहुत ही खूबसूरती से करते थे, और वैसे भी जब आवाज़ें रफ़ी साहब और गीता दत्त की होती थी तो गीत अपने आप सुरेले हो जाते थे। कुछ और पर्दे के पीछे की सच्चाई पर रोशनी डालते हैं। देव आनंद और गुरुदत्त दोनों संघर्ष के दिनों के अच्छे दोस्त बन गए थे। दरअसल ये दोस्ती तब हुई थी जब दोनों संघर्ष कर रहे थे। यह उन दिनों की बात है जब फिल्मों में ब्रेक पाने के लिए दोनों अपने अपने हिसाब से संघर्ष करते रहे। तभी एक दूसरे से वादा किया गया था कि देव गुरुदत्त को निर्देशन के लिए एक फिल्म देंगे जो उन्होंने बाजी के साथ की थी, मतलब बाजी उनको दी थी, और गुरुदत्त साहब को देव को नायक के रूप में पेश करेंगे और उन्हें निर्देशित करेंगे। जैसा कि गुरुदत्त ने CID में काम देकर अपना 50% वादा पूरा किया था, क्योंकि इस फिल्म में वो डायरेक्टर नहीं थे, इसलिए मैंने कहा 50%, बाकी 50% वादा वह पूरा नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? इससे पहले ही वह हम सब को छोड़कर चले गए। एक और बात, ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि इस फिल्म के पटकथा लेखक इंदर राज आनंद थे, जो अभिनेता फिल्म निर्माता टीनू आनंद के पिता थे। मतलब टीनू आनंद भी वहीं से आए हैं, एक फिल्म के बिरादरी से आए हैं। गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को भी लिया, लेकिन वहीदा रहमान को इस फिल्म में जो नाम मिला, शोहरत मिला, वो कहने लायक नहीं है। वो हम उसकी वर्णना हम नहीं कर सकते। इस फिल्म की कोरियोग्राफर जोड़ा सगल ने की थी। वेशभूषा का श्रेय मानुमति को दिया गया था, जिन्हें भानु अथैया के नाम से जाना जाता है। ऐसा संगीत का मूड कहाँ मिलेगा? दरअसल रफ़ी साहब के सभी रंग के मूड हैं, और अगर मेरी बात से आप सहमत हैं और आपको लगता है कि यह गलत हुआ है, गीत सुनने के बाद आपको लगता है कि इस गीत को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, मेरी बात को, मेरी भावनाओं को लोगों तक पहुँचाएँ और सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह पर्दे के पीछे गीत के बोलों पर, गीत कैसे लिखा गया, गीत के पीछे की कहानी आपसे शेयर करता रहूँगा। आप हो सके तो क्लिक करें और गाने का पूरा आनंद उठाएं, गाने को जरूर सुनें। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।